बात कर रहे थे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एंटी सोशल के ऊपर बात की है, आज फिर से हम एंटी सोशल के ऊपर ही बात करेंगे और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के आज दो ट्रेट्स जानेंगे, जिसमें एक ट्रेट की हम बात करेंगे कि जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो वही काम करते हैं जो कानून की नजरों में सजा के योग्य होता है, और दूसरा ट्रेट्स रहता है इनके अंदर वो है इम्पल्सिव बिहेवियर। इन दोनों ट्रेट्स के बारे में हम जानेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर सीरीज बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप इंसानों के जानकार बन जाएं, आप चेहरा पढ़ना सीख जाएं, दूसरे का मन पढ़ना सीख जाएं, दूसरे के व्यवहार से आप उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना सीख जाएं। क्योंकि होता क्या है कि हम ठगे जाते हैं, हमें कोई भी मूर्ख बना सकता है अगर हम पर्सनैलिटी के बारे में जानकार नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें धोखा मिला, हमारे साथ ठगी हुई, हम खुश नहीं हैं, लोग हमें तंग करते हैं। अगर हम पर्सनैलिटी के जानकार हैं तो हम खुश भी रह पाएंगे, क्योंकि सामने वाले की पर्सनैलिटी क्या है उसका हमें पता लग जाएगा और फिर हम उसके अनुसार डील भी कर पाएंगे। क्योंकि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उसके साथ बिहेवियर अलग अलग करना होता है, डीलिंग अलग अलग होती है, सबके साथ एक जैसी डीलिंग नहीं की जा सकती है। और क्लस्टर बी की हम बात कर रहे थे तो इसमें जो एंटी सोशल होते हैं वो ईगो सिंटोनिक होते हैं, वो हमेशा दूसरों की गलती निकालते हैं, ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, अहंकार बहुत ज्यादा होता है, अपने मैं को लेकर के बहुत ज्यादा ये सोचते हैं और मैं पर आंच आती है तो ये भड़क उठते हैं, ड्रामेटिक इनकी पर्सनैलिटी होती है, ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, चलते फिरते किसी को थप्पड़ मार देंगे। ऐसा नहीं है कि थप्पड़ इसलिए मारते हैं कि दूसरे का कसूर है, बस ये थप्पड़ मार के ये जताना चाहते हैं कि वो पावरफुल हैं, वो हैं, अपने होने का एहसास ये करवाते हैं। और इनके अंदर खालीपन होता है तो खालीपन को भरने के लिए ये ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, सीन क्रिएट कर देते हैं, हमला कर देते हैं, सरेआम किसी व्यक्ति को कूट देते हैं, पीट देते हैं। पीटने के पीछे कोई समाज में बढ़िया मैसेज आए ये इनका मकसद नहीं होता, ये इनका मकसद यही होता है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग इनको देखें। ये अटेंशन सीक करने के लिए भी ड्रामा क्रिएट करते हैं और सामने वाले पर्सन से लड़ाई कर लेते हैं, तेज तेज बोलते हैं, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात करते हैं। आवाज के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में जान लिया था, आज जानेंगे कि दो ट्रेट की। पहला ट्रेट है कि जैसे कानून जिन कार्यों के लिए सजा का प्रावधान रखता है ये उन्हीं कार्यों को करते हैं जिसमें सजा होती हो, जैसे इल्लीगल काम करना, जैसे नशा करना, खुलेआम सरेआम नशा करना, ये नशा खोर होते हैं, एंटी सोशल व्यक्ति नशा बहुत करते हैं। जैसे ड्रग बेचने के ऊपर कानूनी रूप से पाबंदी है तो ये ड्रग बेचेंगे और नशा भी करेंगे। रेप करना या किसी से इलीगल संबंध बनाना कानून की नजरों में सजा योग्य है तो ये दोनों ही करते हैं। जैसे किसी को मारना, पीटना, हत्या करना कानून की नजरों में सजा योग्य है तो ये मारेंगे भी, पीटेंगे भी और यहाँ तक कि कत्ल भी कर देते हैं। जो गैंगस्टर बनते हैं, गुंडे, बदमाश, मवाली बनते हैं वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति ही होते हैं, तो ये वही काम करेंगे, कोई भी काम हो सकता है सजा वाला उस काम को करेंगे, पक्का इनको मजा आता है। जैसे ओवर स्पीड गाड़ी चलाना, अभी आप सामने बर्फ देख पा रहे हो, ये बर्फ के टीले हैं, ये मैं मनाली से लेह लद्दाख जा रहा हूँ तो रास्ते में बर्फ आ गई है, ये बर्फ का अद्भुत नजारा आप देख पा रहे हैं, ये सामने बर्फ है, ये रोड के ऊपर भी बर्फ आ जाती है, रोड यहाँ पर जाम हो जाते हैं, ये सफेद सफेद बर्फ है, आगे और बर्फ आएगी। तो फिर से हम आ जाते हैं
पहले ट्रेड के ऊपर की सजा वाला काम करना, जैसे प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। जैसे आपने देखे होंगे कि कुछ लोग बदमाश होते हैं जो दूसरों की प्रॉपर्टी पर अधिकार जमा लेते हैं, दूसरों के घर पर अधिकार जमा लेते हैं, दूसरे की बीवी पर अधिकार जमा लेते हैं, दूसरे की गाड़ी पर। तो जिनमें कानून सजा देती है ये वही काम करते हैं, क्योंकि इनको थ्रिल भी मिलती है ना, ऐसा काम करके इनको थ्रिल मिलती है, इनको एक जबरदस्त अंदर से खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। ये सजा वाला काम करके प्लेजर पाते हैं। अगर इनको सजा हो जाए, जैसे किसी को इन्होंने पीट दिया, मार दिया, तो सजा हो गई, कैद हो गई, तो जैसे ही ये जेल से छूटेंगे, अगर आप इनसे पूछोगे भाई अब तो तुम सुधर गए हो, अच्छा काम करोगे, कोई अगर तुम्हारे साथ गलत करेगा तो तुम माफ कर दोगे, ये कहेंगे माफ मूफ करना मेरी फिलोसफी में नहीं है, दोबारा से कोई मेरे साथ पंगे लेगा तो मैं दोबारा ठोक दूंगा, साले की मंजी ठोक दूंगा, ऐसे बोलते हैं। ये माँ बहन की गालियां निकालना या माँ बहन एक करके रखते हैं, जैसे हरियाणवी में कहते हैं ना माँ बहन गोड़ देना, तो ये ऐसा ही इनका नेचर होता है। तो ये सुधरते नहीं है क्योंकि इनकी लर्निंग होती नहीं है ना, ये लर्न नहीं करते कभी भी। घटना इनके साथ बुरी हो गई तो भी ये सीखते नहीं है, अच्छी हो गई तो ये गलत सीख लेते हैं कि अच्छी हो गई तो उसे बार बार करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने इनको पैसा दे दिया, खाना दे दिया, तो ये उसी के पास बार बार जाएंगे, उसी से पैसा लेंगे। किसी ने इनको पीट भी दिया तो ये नहीं समझेंगे कि हमारी गलती थी, हमने गलत किया, तो पीट दिया तो कोई बेइज्जती महसूस नहीं करेंगे, पीट दिया भाई, उसे बदला भी लेंगे, खुंदकी तो होते ही है, बदला भी लेंगे, लेकिन बेइज्जती महसूस नहीं करेंगे। ये नहीं कि अरे मैंने गलत काम किया, मेरी पिटाई हो गई, अब मुझे गलत काम छोड़ देने चाहिए, लेकिन ये छोड़ते छाड़ते कुछ भी नहीं है, ये अपने काम में वैसा ही जारी रखते हैं, ये गड्डी खींचे ही रखते हैं। जैसे अभी यहाँ पर रोड जाम हो चुका है, यहाँ रोड बन रहा है इधर, और इधर ये कच्चा रोड है, ऑफ रोडिंग आ गया है, हम मनाली जा रहे थे, ये चीज ना आए, तो हम मनाली से जा रहे हैं ले, तो रस्ते में जाम लग जाता है। तो ये बात हमने कर ली सजा वाला काम करने की। दूसरा है इम्पल्सिव बिहेवियर, इनके मन में कोई विचार आ जाए, कोई भावना आ जाए, आवेग आ जाए, तो ये रोक नहीं पाते हैं। जैसे इनके मन में एक विचार आ गया कि फलां लड़की से बात करनी है, फलां लड़की को आई लव यू कहना है, तो ये कह के ही मानेंगे, ये रोक ही नहीं पाएंगे, किसी न किसी तरीके से जा करके कह देंगे, या किसी से रिलेशन बनाना है तो ये नहीं देखेंगे कि भाई रिलेशन बनाने के लिए एक स्थान देखना चाहिए, स्थान उपयुक्त है या नहीं, बंदा उपयुक्त है या नहीं, बस जबरदस्ती रिलेशन बना देंगे, जबरदस्ती करेंगे, क्योंकि इम्पल्स आ गई है ना अंदर से, तो ये इम्पल्सिव होते हैं। जो इनके मन में आवेग आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा बहुत करते हैं, ड्रामेटिक गुस्सा करते हैं, एकदम गुस्सा आ गया तो गुस्सा पूरा निकालेंगे बवंडर की तरह, सामने वाले के ऊपर फुल गुस्सा करेंगे, तो ये इम्पल्स है। और इनके अंदर खाने की इम्पल्स आ गई तो ये उसी वक्त खाने की तरफ चल पड़ेंगे, सारा काम धाम बाकी छोड़ देंगे, पहले खाना है तो खाना है, सोचेंगे नहीं कि भाई एक सही वक्त देखा जाता है खाने का, बस इनके मन में जो आ गया इन्होंने करना ही करना है। कपड़े भद्दे से पहनेंगे, ऐसे जैसे कपड़े ऐसे पहनेंगे जैसे अट्रैक्ट करने वाले, जैसे मूछे रखेंगे तो कुंडीदार रखेंगे, क्योंकि ये पुरुष पर्सनैलिटी है ना, महिलाओं में तो 20% ही होती है, तो कुंडीदार मूछे रखेंगे, दाढ़ी अट्रैक्टिव सी बना करके रखेंगे, बाल ऐसे सलमान खान की तरह जैसे आते हैं, तेरे नाम हमने किया है, वैसे बाल करके रखेंगे। या आजकल जो ट्रेंड आ गया है जेजीबी की तरह, जैसे ये वेस्ट इंडीज वाले खिलाड़ी होते हैं ना आंद्रे रसेल, ऐसे वो गधे की पूंछ सी सिर के ऊपर बना लेते हैं, ऐसी ही पूंछ सी वो सिर पर बालों की बना लेते हैं। तो ये ट्रेंड फॉलोइंग होते हैं, जो ट्रेंड चलता है उसी के अनुसार चलेंगे। जैसे हथियार रखेंगे, गन, चाकू, गंडासी, तलवार, चाकू तो हो ही गया, तो ये हथियारों के प्रेमी होते हैं, और किसी को मारना है तो हथियार लेके चल पड़ेंगे सीधा। ये फैसला उनका सपोर्ट करते हैं, इनके सिस्टम में देर नहीं होती, ये देर करना नहीं जानते, ये तो हाथों हाथ फैसला। तो अभी इनके मन में विचार आ गया तो अभी न्याय होना चाहिए, अभी इसी वक्त फैसला होना चाहिए, तो ये फैसला अपने दम पर करने का प्रयास करते हैं।
ये कानून के ऊपर भरोसा नहीं करते, दूसरे व्यक्तियों के ऊपर भरोसा नहीं करते, ये तो भाई खुद महाराजा हैं, खुद ही अदालत है, न्यायमूर्ति तो खुद है ना, तो फैसला भी खुद ही करेंगे। यहाँ पर पानी भी आ गया है, गाड़ी रुक रही है, ये देखिए पानी कितना बह रहा है और पानी के बीच से गाड़ियां जा रही हैं और हम भी गाड़ियां पानी के बीच से ही निकाल रहे हैं। ये इधर पानी आ रहा है, मेरी गाड़ी बीच में रुक गई है, लेकिन काफी बड़ी है, निकाल दिया मैंने। थैंक यू गाड़ी, आपने आज मेरे मुझे पानी में नहीं रुकने दिया। तो आज पानी में गाड़ी चलाने का मजा आ रहा है, सामने पानी आ रहा है और मैं पानी के अंदर गाड़ी भगा रहा हूँ। थ्रिल आज मुझे भी मिल रही है क्योंकि मैंने ये स्पेशल वीडियो सीरीज इसी सफर के लिए बचा करके रखी थी कि साथ में तो आपको सफर का मजा आएगा और साथ को आप साथ में आपको साइकोलॉजी की जानकारी मिलेगी। वो ये गाड़ी वाला मुझसे आगे निकालने की सोच रहा था, जैसे एंटी सोशल से कोई आगे नहीं निकाल सकता है, लेकिन मैं एंटी सोशल का जानकार हूँ तो मुझसे कैसे आगे निकालेगा, मैंने उसको पीछे छोड़ दिया। अब लग रहा है कि हाँ वैसा ही इनको लगता है कि कोई इनके बराबर से निकल जाए तो इनको बेइज्जती लगती है, अरे सामने वाले ने तो छोटा साबित कर दिया, ये छोटा बन के नहीं रहते ना, तो ये बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा बनने के लिए फिर डोमिनेट करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी डोमिनेट होती है, ASPD हमेशा डोमिनेट करते हैं, दूसरे को दबा के रखते हैं। तो इंपल्सिव बिहेवियर की बात होगी, चाहे खाने की बात हो, पीने की बात हो, ये दारू बहुत पीते हैं, इनके मन में दारू की भावना आ गई तो कहीं जा करके दारू पी लेंगे, कहीं से भी दारू खरीद के पियेंगे, या रिलेशन बनाने की जो काम इच्छा जाग गई तो आज रिलेशन बनाना है तो इन्होंने बनाना ही है, किसी की दीवार फांदनी है, किसी को जबरदस्ती जंगल में ले जाना है, रात को कहीं ऐसे स्थान पर रिलेशन बनाना जहां पर रिस्की होता है, कार में ये रिलेशन बना लेंगे, कार में संबंध बना लेंगे, चलती हुई कार में, ऐसे इनके कारनामे होते हैं, इनसे इनको थ्रिल मिलती है। तो ये बात हो गई इंपल्सिव बिहेवियर की। तो इससे संबंधित आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर नंबर पर कॉल करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों से डील कैसे करना है, अगर आपको इंपल्सिव बिहेवियर वाला व्यक्ति मिले या कानून को तोड़ने वाला मिले, तो ऐसे लोगों से व्यवहार आपका लड़ाई झगड़े वाला ना हो, क्योंकि ये लड़ाई करने के लिए तो तैयार रहते हैं, इनसे आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि नॉर्मल इंसान कितना जीतेगा, इनको तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, पुलिस वालों को तंग करना, पंगे लेना, दूसरों को धमकाना, ये मजा आता है इनमें, तो इनको अच्छा लगता है। तो सामान्य व्यक्ति भाई अपना काम भी करेगा, पैसे भी कमाने होते हैं, घर को भी संभालना होता है, इनको घर घर कुछ नहीं संभालना होता, इनको तो देश की कोई फिक्र नहीं होती, ना घर की फिक्र होती है, इनको अपने आप की फिक्र होती है, तो ये घर से तो बेदखल होते हैं या वेले होते हैं, और ये पैसे दूसरों से छीन के चोरी करके या प्रॉपर्टी पर कब्जा करके, या दो नंबरी होते हैं, ये कहते ना मेरा यार 10 नंबरी या 2 नंबरी, तो ऐसे गाने सारे ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले ही गाते हैं और वही सुनते हैं, तो ये गाने भी इनके ही होते हैं, तो ये 2 नंबर के धंधों से पैसे कमाते हैं, तो इसलिए इनसे लड़ाई ना करें कभी भी और इनको अवॉइड करें। जब भी आपको ऐसे बंदे मिलें तो आप इनको अवॉइड कर दें, इनसे कोई भी यारी दोस्ती ना रखें, इनसे दोस्ती भी खतरनाक है और दुश्मनी भी खतरनाक है, क्योंकि आप दुश्मनी भी इनसे कर लेंगे तो ये खुद तो बर्बाद होते ही आपको भी बर्बाद कर देंगे, तो यारी ना लगाएं कभी भी इनसे, दोस्ती ना रखें, इनसे संपर्क तोड़ दें, इनसे दूर रहें, तो आपको इनसे दूर रहना है, यही इनसे बचने का तरीका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अगली बार हम बात करेंगे हथियार ये रखते हैं और ये गाने कैसे सुनते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाय बाय।